हावड़ा आनंद विहार जो कि हावड़ा से आनंद विहार के बीच चलती है, इस एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन को लेकर के बात कही गई है, लेकिन इस ट्रेन के रूट में हो चुका है बड़ा परिवर्तन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले रेल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिली जानकारी के अनुसार धनबाद होकर चलने वाली इस ट्रेन का रूट बदलने वाला है, क्योंकि प्रस्ताव को लेकर के रेलवे बोर्ड तक बात पहुंच चुकी है और हावड़ा से आनंद विहार तक जाने वाली ट्रेन अब हावड़ा से बाड़मेर तक जाएगी। इस ट्रेन को अब आनंद विहार के बजाय दिल्ली होकर चलाया जाएगा। दिल्ली से बाड़मेर के बीच इस ट्रेन का ठहराव बलोतरा, छोटी घाटू, सुजानगर में भी होगा। रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर कोचिंग अधिकारी ने बताया कि ट्रेन अभी बंद है, इसका परिचालन शुरू होते ही नई व्यवस्था प्रभावी हो जाएगा, यानी कि हावड़ा आनंद विहार एक्सप्रेस अब हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस के नाम से चलेगी। इसके साथ ही इसका प्रस्तावित टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस हावड़ा से शाम 6:50 पर खुलेगी और धनबाद रात 10:40 पर आएगी, और यहां से खुलने के बाद दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना होगी जो कि शाम 3:20 पर आएगी। रेवाड़ी यह ट्रेन 5:20 पर और आखिरकार बाड़मेर यह ट्रेन सुबह 8 पहुंचेगी। दूसरी दिशा में इस ट्रेन का भी समय सारणी लागू कर दिया गया है और यह जब से ट्रेन चलेगी उसका टाइम टेबल यही रहने वाला है। हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस का टाइम टेबल भी जारी करते हुए हावड़ा से यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार तथा वापसी में बुधवार और शनिवार को चलने वाली ट्रेन अब हावड़ा से बाड़मेर तक स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन बनकर चलेगी। तो रेलवे ने इस ट्रेन को लेकर के यह नया प्रस्ताव रखा है और साथ ही यह प्रस्तावित नया टाइम टेबल और शेड्यूल भी जारी किया है। अगर इस ट्रेन को हरी झंडी मिल जाती है और इस ट्रेन का विस्तार हो जाता है तो यह ट्रेन अब हावड़ा से बाड़मेर तक चलेगी और इसका नाम भी बदल जाएगा। तो यह था आज का अपडेट। नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।